हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है कि इफ 3 tan θ = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos θ - sin θ बाई में 2 cos θ + cos θ। जब टेन थीटा का यहाँ से वैल्यू हम लोग 4/3 लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन कॉस निकाल के इसमें पुट करेंगे, वैल्यू इसका निकल जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 3 tan θ = 4, तो यहाँ से आप देखो टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें ये एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर पी जो हो जाएगा 4k हो जाएगा, और ये बेस जो हो जाएगा ये आपका 3k हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की पहले बात कर लेते हैं, तो हाइपोटेनस जो निकालोगे वो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो हम लोग ऊपर देखे सपोज किए हुए यहाँ पे कि पी जो है आपका क्या है 4k है, और बी जो है आपका 3k है। चलिए, रूट अंडर 4k का स्क्वायर और प्लस में 3k का स्क्वायर, यहाँ पे 16k स्क्वायर और प्लस में 9k स्क्वायर, रूट अंडर 25k स्क्वायर यानी कि 5k हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका 5k हो गया। अब इसके बाद देखिए, मैं साइन कॉस निकालना होगा जी, तो साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि हो जाएगा 4k और बाई में 5k, के से के कैंसिल, 4/5 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो वो होगा बेस बाई में हाइपोटेनस, तो बेस आपका है यहाँ 3k और हाइपोटेनस है यहाँ पर 5k, यहाँ से हो जाएगा ये 3/5, ठीक है। तो साइन कॉस निकल गया, अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग LHS लेकर, LHS क्या लेकर, सॉरी ये इसको लेकर LHS RHS में थोड़े प्रूफ थोड़े करना है। दिया हुआ आपके पास 4 cos θ - sin θ बाई में 2 cos θ + sin θ, यही नहीं निकालना है। चलिए देख लेते हैं, नहीं निकालना है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अब 4 cos θ का वैल्यू है 3/5 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है 4/5 बाई में नीचे देखते हैं 2 × 3/5 और प्लस में 4/5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 12/5 - 4/5 और नीचे देखिए 6/5 + 4/5, ऊपर और नीचे बहुत सारे बहुत न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, 12 - 4, नीचे देखिए 5, 6 + 4, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 और नीचे आपका ये ऐड होकर हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 4 और यहाँ 5, यानी आंसर आ जाएगा 4/5 इसका वैल्यू। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ 3 cot θ = 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin θ - 3 cos θ / 2 sin θ + 6 cos θ। चलिए देखिए, यहाँ से आप इसे cot थीटा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो क्या होता है इसका बेस बाई परपेंडिकुलर ना। चलिए, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये एंगल थीटा लेते हैं, ये राइट एंगल, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाएगा 3k और बेस हो जाएगा यहाँ पर 2k, हाइपोटेनस हम लोग पहले फाइंड करते हैं, ले लेते हैं लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू में 3k, बेस इक्वल टू में 2k, तो हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3k का स्क्वायर और प्लस में 2k का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 9k स्क्वायर और प्लस का 4k स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा रूट अंडर 13k स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका रूट अंडर 13k, रूट 13k हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की इसमें ज़रूरत है, तो साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ना, यानी कि ये हो जाएगा 3k और बाई में रूट अंडर 13k, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए ये k से k कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3/√13। अच्छा, कॉस भी निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू में होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आ जाएगा 2k और बाई में रूट अंडर 13k, ये k से k कैंसिल, 2/√13 आ जाएगा। तो साइन कॉस निकाल दिया, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू क्या किसका निकालना है हमें, तो निकालना है 4 sin θ - क्या था जी, 3 cos θ - 3 cos θ बाई में 2 sin θ और प्लस का
प्लस का सिक्स कॉस थीटा, सिक्स कॉस थीटा। चलिए अब इसके वैल्यूज के लिए चलते हैं। फोर साइन थीटा का वैल्यू थ्री बाई में रूट थर्टीन माइनस थ्री इंटू में कॉस का टू बाई में रूट थर्टीन, और नीचे देखिए आपका टू इंटू में थ्री बाई रूट थर्टीन और प्लस का सिक्स इंटू में टू बाई में रूट थर्टीन। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वह ट्वेल्व बाई रूट थर्टीन माइनस का सिक्स बाई में रूट थर्टीन, नीचे देखिए डिनोमेटर में यहाँ पर सिक्स बाई में रूट थर्टीन और यहाँ प्लस में ट्वेल्व बाई में रूट थर्टीन। यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे रूट थर्टीन। अब यहाँ पे देखिए ट्वेल्व माइनस का सिक्स हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा रूट थर्टीन, यहाँ सिक्स प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिक्स और नीचे आ जाएगा एटीन, तो यानी आ जाएगा यहाँ पर वन बाई थ्री इसका आंसर, तो इसका वन बाई थ्री हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अब ट्वेल्व नंबर देखते हैं। ट्वेल्व नंबर में देखिए दिया है कि टेन थीटा इक्वल टू में ए बाई बी, हमें प्रूव करना है दिस। तो चलिए हम लोग इसमें साइन और कॉस की जरूरत होगी, तो पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे हम लोग इसको बिना वैल्यू निकाले भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके इजी है, दोनों से मैं बता देता हूँ आपको। चलो ना देख लो, ये हम लोग ये एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, ये थीटा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं इसका परपेंडिकुलर बाई बेस ही होता है, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं परपेंडिकुलर जो होगा आपका ए के और बेस जो होगा बी के हो जाएगा। तो ये देखिए ये ए के और ये आपका बी के हो गया। हाइपोटेनस पहले फाइंड कर लेते हैं, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर ए के का स्क्वायर और प्लस में बी के का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर के स्क्वायर। रूट अंडर यहाँ के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ के बाहर निकल जाए के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, हमें यहाँ जरूरत होगी किसकी, पर साइन थीटा और कॉस थीटा किस में रखने के लिए, तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर ए के और बाई में के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू पे यहाँ बेस बाई में हाइपोटेनस, यानी कि आ जाएगा बी के और बाई में रूट अंडर बाई में के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन और कॉस हो गया, अब हम लोग एल एच एस लेके उसमें रख देते हैं। एल एच एस में क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा बाई में ए साइन थीटा और प्लस का बी कॉस थीटा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, आपका आ जाएगा ए साइन थीटा का वैल्यू ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, बी बाई में यहाँ पर है जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखते हैं अब इसी तरह से ए इंटू में ए बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस बी इंटू में बी बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी उसी तरह से ए स्क्वायर बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बाई में नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी उसी तरह से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो लाना था आपका आर एच एस ऊपर, वही आर एच एस यहाँ भी आ गया, आपका आ गया ना। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हमें आर एच एस में लाना था, हमने यहाँ भी लाके दिखा दिया, समझ गए। इसके पहले अगर टेन कॉट में वैल्यू दिए हो और साइन कॉस में दे कैसे निकालना हो, इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका एल एच एस लेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा
बाई में ए साइन थीटा और प्लस का बी कॉस थीटा। आप क्या करेंगे कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ए साइन थीटा बाई में यहाँ पर कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ए साइन थीटा बाई में कॉस थीटा और प्लस का बी कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दोनों में डिवाइड करेंगे। देखिए कॉस थीटा वहाँ पे ऊपर हो जाएगा ए टैन थीटा माइनस बी और नीचे हो जाएगा ए टैन थीटा प्लस का बी, टैन थीटा का वैल्यू ए बाई बी है, तो ए इंटू में ए बाई बी माइनस बी, यहाँ पे देखिए ए इंटू में ए बाई बी और प्लस का बी, ऊपर और नीचे एलसीएम हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ एलसीएम हो जाएगा बी, है ना, एलसीएम होगा बी। ठीक है, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम होगा बी, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बी से इस बी को कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो आने गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई में नीचे आपका ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, आपका आर एच एस यहाँ से भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 15 नंबर दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू में 13/5। ये देखिए इसे शो करना है तो इसमें साइन और कॉस के वैल्यू देते हैं, तो सेक के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग इसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल थीटा ले लेते हैं, एक्यूट एंगल ये 90 ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो ये हम लोग जानते हैं सेक के लिए कि हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो यहाँ पर लेट हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 13 के और बेस हो जाएगा आपका 5 के, 13 के और ये आपका 5 के। तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर, रूट अंडर 13 के का स्क्वायर और माइनस में 5 के का स्क्वायर, रूट अंडर आ जाएगा 169 के स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 144 के स्क्वायर और बाई इक्वल, यानी आ जाएगा ये 12 के, ये आपका 12 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद साइन कॉस की जरूरत है, तो साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाई में हाइपोटेनस, यानी कि 12 के और बाई में 13 के, के से के कैंसिल, 12 और बाई में 13 आ गया। फिर उसके बाद देखिए कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना जी बेस बाई में हाइपोटेनस, तो बेस आपका है 5 के और हाइपोटेनस है आपका 13 के, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 5 और बाई में 13। अब इसके बाद देखते हैं, अब आगे हमें इसका शो करना है, इसके इक्वल एल एच एस ले लेते हैं और उसमें रखते हैं। चलिए देखते हैं एल एच एस में क्या है आपका, इसमें एल एच एस में दिया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई में 4 sin थीटा माइनस का 9 cos थीटा। चलिए देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं, 2 sin थीटा की जगह पे है 12 बाई में 13, अच्छा, और फिर माइनस 3 cos थीटा की जगह पे है यहाँ पर 5/13। ठीक है, नीचे फिर उसी तरह से 4 × 12/13 और माइनस 9 × 5/13, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 24/13 माइनस का 15/13, नीचे देखिए इधर 48/13 और माइनस का 45/13। चलिए अब इसको ऊपर और नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, ऊपर है आपका 13, 24 माइनस का 15 और नीचे है आपका 13, यह आ जाएगा 48 माइनस का 45, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 9 और नीचे आपका 3 3 3 9, तो 3 आ गया, यही ना हमें आर एच एस में लाना था, 3 यहाँ पे आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें शो करना है इसको। चलिए हम लोग देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 12/13 दिया हुआ है। कॉस थीटा यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसके लिए कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। चलिए यहाँ पर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इसका लिख देते हैं यहाँ पर एंगल थीटा हो गया, परपेंडिकुलर ये बेस और ये वाला हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सपोज कर लेना होगा लेट कि बेस जो है ना आपका कितना है 12 के और हाइपोटेनस जो है आपका 13 के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 12 के और ये हो जाएगा आपका 13
तो हम लोग परपेंडिकुलर पहले निकाल देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 13 के का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर 12 के का स्क्वायर, ठीक है, यानी आ जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस का 144 के स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 25 के स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 5 के हो जाएगा, ठीक है। चलिए परपेंडिकुलर निकल गया 5 के, हमें इसमें साइन और टेन थीटा की जरूरत है, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि हो जाएगा 5 के और बाई में यहाँ पर आपका ये 13 के, ठीक है, के से के कैंसिल, 5/13 ये आ गया। फिर अब यहाँ पे टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाई बेस, 5 के बाई में यहाँ 12 के, यानी कि 5/12 आ गया। चलिए हम लोग इसका LHS लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है ना कि 35/156 होगा। चलिए देखते हैं इसका LHS, LHS में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है LHS में दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। चलिए साइन थीटा देखो 5/13 और इंटू 1 माइनस में टेन थीटा का वैल्यू 5/12, 5/13 और अंदर LCM ले लेते हैं, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 माइनस का यहाँ पर 5। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो 5/13 और इंटू में यहाँ पर 7/12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 35 और नीचे 156, यही ना हमें RHS में लगा था हमारा, आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू 1/√3, हमें इसका वैल्यू, यहाँ साइन कॉस की जरूरत होगी, तो चलिए अब इसके हेल्प से पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये एंगल अगर थीटा ले लेता हूँ, हमें जानते हैं कॉट के लिए क्या होता है, बेस बाई में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 के, ये बेस हो जाएगा आपका सिर्फ के, हाइपोटेनस हमें पहले फाइंड करना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले कि परपेंडिकुलर आपका है √3 के और बेस है आपका के, तो यहाँ से अगर हाइपोटेनस निकाले तो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √3 के का स्क्वायर और प्लस में के स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 3 के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, यानी √4 के स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका 2 के। चलिए 2 के हो गया हाइपोटेनस, अब हमें देखिए इसमें साइन और कॉस की जरूरत है, तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि √3 के और बाई में यहाँ पर 2 के, के से के कैंसिल, √3/2 आ गया। अच्छा कॉस की भी जरूरत पड़ेगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू में होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका है के और हाइपोटेनस है आपका 2 के, यहाँ 1/2 हो गया। अब इसके बाद इसका LHS लेके रखते हैं, यहाँ पे LHS में देखिए क्या दिया है, LHS में दिया हुआ है 1 माइनस का कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5 प्रूव करना है। चलिए देखते हैं 1 माइनस का ये आपका 1/2 है, स्क्वायर कर देते हैं और साइन थीटा का वैल्यू है √3/2, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का √3/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस का 1/4 और नीचे आपका हो जाएगा 2 माइनस का 3/4, ऊपर और नीचे हम लोग LCM ले लेते हैं, ठीक है, 4 यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का 1, नीचे हो जाएगा 4, 8 माइनस का 3, ये इससे कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 3 और बाई में नीचे 5, तो RHS में ही ना था हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू में 1/√7, हमें यहाँ पे ये शो करना, तो इसमें देखिए ना हमें कॉसेक और सेक निकालना होगा पहले, है ना जी, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ये एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि यहाँ पे ले लेना होगा, लेट पी इक्वल टू में हो जाएगा के और बेस इक्वल टू में हो जाएगा √7 के, ठीक है, परपेंडिकुलर ये होगा के और बेस ये होगा √7 के, तो हाइपोटेनस पहले फाइंड करना होगा, तो हाइपोटेनस इक्वल टू में हो जाएगा √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि √ यहाँ हो जाएगा आपका के का स्क्वायर और प्लस में √7 के का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आ जाएगा √ के स्क्वायर और प्लस में 7 के स्क्वायर,
जाएगा रूट अंडर 8 के स्क्वायर, यानी आ हो जाएगा ये 2√2 के हो जाएगा, हाइपोटेनस 2√2 के। अब यहाँ पे सेक और कॉसेक की जरूरत है, तो एक काम करो, यहाँ सेक थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा और कॉसेक जरूरत है, सेक थीटा होता है आपका एच वाई में बी, यानी आ जाएगा 2√2 के और वाई में √7 के, ठीक है। तो यहाँ से के कैंसिल, आ जाएगा 2√2 और वाई में √7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कॉसेक भी निकाल लेना होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इक्वल टू में हम जानते हैं कॉसेक इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर एच वाई में पी, लेकिन 2√2 के और बाई में के से के कैंसिल, यानी आ जाएगा यहाँ पे 2√2, ठीक है ठीक है। चलिए तो अब इसका LHS लेके हम इन वैल्यूज को रखते हैं, दिया हमें LHS में क्या है, तो LHS में हमारे पास दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब इनके वैल्यूज को रखते हैं, इसका वैल्यू क्या दिया है 2√2 है ना जी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस सेक के लिए यहाँ पर 2√2 बाई √7 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर और प्लस में 2√2 और बाई में 7 का स्क्वायर √7, ठीक है ना जी। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका 8 माइनस का 8/7, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 8 प्लस का 8 और बाई में 7। चलिए ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम होगा 7 56 माइनस का 8, और नीचे भी हो जाएगा 7 आ जाएगा 56 और प्लस का 8, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 48, और नीचे कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 64, है ना जी। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं 16 की टेबल से 3 टाइम्स में और यहाँ पे ये 4 टाइम्स में, यानी 3/4 आ गया। RHS में यही ना ला के दिखाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ sec थीटा इक्वल टू में 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस टैन कॉट। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका एंगल हो गया थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। चलिए देखते हैं सेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है, हो जाएगा आपका हाइपोटेनस और बाई में बेस। चलिए ले लेते हैं, लेट हाइपोटेनस इक्वल टू में यहाँ पर 5 के और यहाँ बेस इक्वल टू में है आपका 4 के, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 के का स्क्वायर और माइनस में 4 के का स्क्वायर, चलिए यहाँ पर आ जाएगा 25 के स्क्वायर और माइनस का 16 के स्क्वायर, यानी आ जाएगा √9 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 के। देखिए तो यहाँ हाइपोटेनस हमने क्या लिया था 5 के, अच्छा, और बेस यहाँ पे ये 4 के, परपेंडिकुलर निकाल दिया अब हमने 3 के। हमें जो ये वैल्यू निकालना है, इसमें देखिए साइन कॉस टैन कॉट इन सब की जरूरत होगी, तो इन चारों को पहले निकालना होगा। साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 3 के और बाई में यहाँ पर 5 के, के से के कैंसिल 3/5 आ जाएगा। कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो होता है बेस बाई में हाइपोटेनस, यानी कि बेस देखो 4 के और बाई में 5 के, के से के कैंसिल 4/5। अब टेन और कॉट भी निकाल, इसको भी निकाल लेते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू में हो जाएगा पी बाई में बी, यानी कि आ जाएगा 3 के और बाई में 4 के, के से के कैंसिल यहाँ 3/4। और कॉट थीटा भी निकालना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू में होता है बेस बाई पर पेंडिकुलर, यानी कि 4 के और बाई में 3 के, के से के यहाँ कैंसिल, ये आपका 4/3 आ गया। अब इसके बाद इसका LHS देखते हैं, LHS नहीं, LHS इसमें प्रूफ नहीं करना है, ऐसे ही है, हमें साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इसका वैल्यू निकालने के लिए जा रहा है। चलिए देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 माइनस 2, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर है 4/5। नीचे देखिए टेन थीटा का 3/4 और कॉट थीटा का 4/3, ये ना दिया है जी। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके ध्यान से देखिएगा, ऊपर एलसीएम होगा 5, तो ऊपर है आपका 3 और माइनस का 8, नीचे आपका एलसीएम होगा 12, इसमें से डिवाइड करेंगे 3
3 3 9, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 4 16, यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 5 और y में 5, ठीक है -5/5। अच्छा अब यहाँ नीचे हो जाएगा आपका कितना, नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 7 और y में 2, ठीक है। अब देखिए माइनस कट जाएगा 5 से 5, ये पलट देंगे है ना जी, या फिर ये ऊपर चला जाएगा माइनस माइनस भी हटा देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 और y में यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, रवि का आंसर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।